आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर इंडिया मार्ट के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के आज क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। किस तरीके से कंपनी ने अपने रिजल्ट क्वार्टर फोर के प्रेजेंट किए वो भी बताऊंगा, और कितना बड़ा डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है उसके बारे में भी जानकारी ले लेना। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखने इसलिए हमें कि कंपनी आगे कितना बढ़िया और शानदार परफॉर्म करने वाली है। मैं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर भी रिजल्ट दिखाऊंगा इंडिया मार्ट के कैसे प्रेजेंट किए, और आगे का परफॉर्मेंस जो होता है उसके बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। आप सभी इन्फॉर्मेशन लिसन करने के बाद बहुत ही इजी वे में डिसीजन ले सकते हैं स्टॉक में आपको करना क्या है, रहना चाहिए या एग्जिट कर निकलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सभी डिटेल यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। बस आपका कीमती वक्त देना दोस्तों, और पूरी जानकारी यहाँ पर हम लिसन करना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम पहले आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर और फोकस कर लेते हैं कि कंपनी के रिजल्ट में कितना दम है और कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब यहाँ पर देखिए, रिजल्ट में पूरी तरीके से डिटेल देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे अच्छी बात होती है इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड मिलना। डिविडेंड बोले तो दोस्तों पैसिव इनकम का सोर्स बनता है। जितने भी ज़्यादा क्वांटिटी होंगे दोस्तों, उतना बढ़िया डिविडेंड का फायदा होते ही रहता है इन्वेस्टर को। अब देखिए, यहाँ पर फाइनल डिविडेंड 15 रुपये का इंडिया मार्ट ने अनाउंस कर दिया है। और दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग बात है, पूरे मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए, कभी भी आप देखना, बड़े से बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो खरीदते हैं तो कभी ऐसे 2-4 क्वांटिटी कभी नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते उसके पीछे का फायदा होता है। जब यहाँ पर वो कभी भी 1 लाख भी क्वांटिटी खरीद ले दोस्तों, पूरे यहाँ पर कोई शेयर की 1 लाख क्वांटिटी मल्टीप्लाई 10 रुपये का भी डिविडेंड मिल गया, तो समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से उनको फायदा हो रहा है। ये बात समझे दोस्तों, बहुत से इन्वेस्टर खाली क्या करते हैं, क्वांटिटी को नहीं देखते, 2-4 इसके शेयर खरीद ले, 2-4 उसके, इससे मैटर नहीं करता दोस्तों। इंपॉर्टेंट होता है कंपनी कैसी है, और कंपनी के साथ साथ क्वांटिटी कितनी आपके पास, उसको बहुत ही ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर तो हमने डिविडेंड की अमाउंट देख ली, 15 रुपये मिलने वाली है सभी को। अब देख लेते हैं हम इसके रिजल्ट कैसे, कंपनी ने कैसे प्रेजेंट किए। अब दोस्तों, ये सभी के सभी फिगर्स इन ये मिलियन में है, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप डाटा पहले हम कंपेयर कर लेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अब यहाँ पर क्या होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमने रिजल्ट देखे कि इन्वेस्टर को क्या लगेगा, रिजल्ट खराब है, बिल्कुल ऐसा लगेगा। बट मैं आपको कहूँगा, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बाद यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस को भी देखना, तब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम जैसे चेक कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम को दोस्तों, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टोटल इनकम में कंपनी की जो पूरी तरीके से 1,970 के करीब की जो यहाँ पर मिलियन में जो कमाई थी पिछले साल के दिसंबर की क्वार्टर थ्री की, वो देखिए इस साल 2021 में मार्च महीने में 1,853 मिलियन में। तो यहाँ पर डिफरेंट देख सकते दोस्तों, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको, एक आपको डिफरेंट देखने मिलेगा कमाई में। कंपनी कमाई कम हुई है यहाँ पर, किस लिए, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पिछले जो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट है उसमें से इस बार की कमाई को कंपेयर जैसे हम देख ले कंपेयर कर तो हमें बहुत ही नुकसान में कंपनी दिखती है। बट दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन बेसिस पर बात करें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है दोस्तों, आप जरूर चेक करना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कंपनी खराब है बोलकर। आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 6,919 जो मिलियन की कमाई थी, वो बढ़कर 2021 के जो मार्च के रिजल्ट है उसमें देख लीजिए 7,502 करोड़ जो मिलियन में हो चुकी है। मिलियन में फिगर्स यहाँ पर करोड़ों में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं आप चेक करना चाहेंगे तो कर लेना। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने मिलेगा, मोटी मोटी बातें दोस्तों यहाँ पर आप पूरा डिफरेंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़े तरीके से कंपनी ईयर ऑन बेसिस पर बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया मार्ट ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, और कंपनी को जैसे हम यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपेंसेस डिडक्ट करके देखें इस बार के जो लॉस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ईयर ऑन बेसिस पर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, बट फिलहाल यहाँ पर लॉस कमाते हुए देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पिछली बार देख सकते हैं प्रॉफिट कितना होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से 815 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, और दोस्तों यहाँ पर आप जरूर देख सकते हैं इस बार कितना हुआ है 542 करोड़ का। तो इसमें डिफरेंट बहुत ज़्यादा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मैं आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि आप ये आइडेंटिफाई कर सके रिजल्ट को, क्या होता है क्या नहीं, क्या होता है दोस्तों। मैं तो ये आपको खाली डिफरेंट बताकर चले जाता, बट मुझे पता है कि बहुत से इन्वेस्टर को ये समझ में नहीं आता क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर, इस PDF में क्या डिटेल होती है उसको आप देख लीजिए ज़रूर। इधर देखने मिलेगा आपको पूरी तरीके से पिछले साल का प्रॉफिट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल का, ये पूरे एक साल का परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो देख लीजिए, 1,462 जो करोड़ में था वो बढ़कर यहाँ पर 2,867 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी की ईयर ऑन बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिलती है इंडिया मार्ट की। चलिए दोस्तों, अभी आप नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी के इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त फैक्ट के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, कंपनी खराब होती और कंपनी के रिजल्ट खराब आते तो दोस्तों मुझे बताना इसमें
यहाँ पर 42% का आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के बजाय इसमें गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों कंपनी के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है कंपनी के रिजल्ट में ना कंपनी के परफॉर्मेंस में। तो बढ़िया तरीके से मुझे लगता है जो भी इन्वेस्टर के पास अभी पैसे की जरूरत ना हो ना, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करना दोस्तों। क्वालिटी स्टॉक बेचकर निकलने से ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसे समय में आपको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए अच्छे खासे लंबे अवधि के लिए, तब आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। और दोस्तों मैं आपको कभी भी कहता हूँ कि आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है, आपने समझो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10,000 इन्वेस्ट किए हैं और उसके ऊपर आपको समझो यहाँ पर 5,000, 3,000, 4,000 प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, 3,000 रुपये के दाम का जो शेयर रहेंगे, जितना क्वांटिटी बच रही है 3,000 प्रॉफिट के, तो उतना रन देना है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकलना चाहिए तो निकल सकते हैं, नहीं तो आप क्या करना चाहिए, प्रॉफिट निकलना चाहिए नहीं तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकलना चाहिए। दोनों पैसे कोई भी कर सकते हैं आप। ये बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है मार्केट में, आप सीख रहे हैं तब आपको भरोसा आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आज यहाँ पर वैल्यूम भी बढ़िया रहा है यहाँ पर इंडिया मार्ट में, क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेयर दोस्तों बहुत ही कम है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी। इसका फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू ये क्या प्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप अंडरस्टैंडिंग करना। कंपनी कभी भी बोनस स्प्लिट दे सकती है, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप पूरी तरीके से देख लेना, जितने आपने कंपनी देखी है उनके जो यहाँ पर फेस वैल्यू होती है वो कम क्यों होती है, आप देखिए एचयूएल की जाके चेक करना, बहुत से यहाँ पर रिलायंस की चेक करना, विप्रो चेक करना, आईटीसी चेक करना। इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट बोनस देने के बाद फेस वैल्यू कम होती है। अब इस कंपनी ने अभी तक तो कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं की है स्प्लिट बोनस के बारे में, इसमें कभी भी गुड न्यूज़ आ सकती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक बढ़िया बात जो मैंने आपको बतानी थी वो यही है दोस्तों, कि आप इसको समझ लीजिए। और इसके नंबर ऑफ शेयर बहुत ही कम रहने की वजह से आप कभी भी वैल्यूम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 40-50% के ऊपर का वैल्यूम देखने को मिले, तो समझ जाना कंपनी बढ़िया है बोलकर। और इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिलेगा। इसका देखिए नंबर ऑफ शेयर कितने, पूरे तरीके से 3 करोड़ 4 लाख शेयर, कितने 3 करोड़ 4 लाख शेयर, इतने इनके शेयर अवेलेबल है पूरे मार्केट में। कंपनी डे फ्री है, सभी चीज़ें मैंने बहुत बार रिपीट किया, अभी रिपीट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आज के परफॉर्मेंस में भी बढ़िया तरीके से तेजी भी देखने मिली स्टॉक ने। यहाँ पर अच्छा खासा बोले तो भी 8,900 का लेवल हमें दिखा दिया और आज देखिए 8,800 पर क्लोज हुआ है। और कल भी मैंने बताया था कि आप ज़रूर यहाँ पर इंतजार करना है इसके डिविडेंड का भी, और फाइनल डिविडेंड दोस्तों यहाँ पर जैसे ही रिकमेंडेशन आ जाता है कंपनी तरफ से, बट यहाँ पर डिसीजन तो कौन लेता है दोस्तों, आप कहूँगा पूरी तरीके से प्रमोटर तरफ से, क्योंकि फायदा होना ही है पब्लिक को भी और खुद कंपनी के प्रमोटर को भी, इसलिए तो उन्होंने डिसीजन भी लिया है। आई होप मुझे लगता है आप सभी डिटेल समझ चुके होंगे रिजल्ट के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।